हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS 15.7.5 के नए अपडेट के बारे में, जो कि एप्पल ने अभी अभी प्रोवाइड किया है अपने ओल्ड आईफोन यूजर्स के लिए, जो कि जिनमें iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus और iPhone SE फर्स्ट जनरेशन भी आते हैं। इन सभी iPhones में आपको ये नया अपडेट देखने को मिलेगा। और अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप इसे देख सकते हो और कौन कौन से नए फीचर्स आपको इस नए अपडेट में प्रोवाइड किए जाएंगे और कौन कौन से बग्स को एप्पल ने फिक्स किया है और ये अपडेट हमें अपने iPhone 7 पे इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी के सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ अपने iPhone 7 को, तो आप सभी देख सकते हो मैंने अभी अपने iPhone 7 को अपडेट कर लिया है iOS 15.7.5 के नए लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। तो सबसे पहले आप सभी देख सकते हो इस अपडेट का साइप मेरे iPhone 7 पे आपको देखने को मिल रहा होगा 115.1 MB। सो गाइस, इसका जो साइज है हर एक iPhone के हिसाब से आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जो अगर आप पुराना एस वर्जन यूज़ कर रहे हो अपने डिवाइसेस के ऊपर, तो आपको इसका जो साइज़ है अपडेट का वो कुछ और बड़ा देखने को मिल सकता है। बट आपको मेन यहाँ पर बात आती है अपडेट की, अगर ये अपडेट आपके डिवाइस में नहीं आ रहा है तो कैसे आपको प्रोवाइड करवाना है अपने आईफोन को। तो सबसे पहले तो आपको अपने आईफोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ से जो कोई भी बीटा प्रोफाइल्स आप यूज़ करते हो अपने आईफोन्स के ऊपर, उसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर ही आपको ये नया अपडेट आपको अपने आईफोन्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद अपने iPhone 7 पे आपको कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर टैप करोगे, आपको यहाँ पर नया बिल्ड नंबर देखने को मिल जाता है 19H332। तो अपडेट करने से पहले आपको ये बिल्ड नंबर आपको देखने को मिल रहा था 321, तो ये यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट करने से पहले आपको अवेलेबल स्पेस 14.05 GB यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अपडेट करने के बाद अब अपने आईफोन की स्टोरेज यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, अवेलेबल स्पेस यहाँ पर आपको इंक्रीज होकर मिली है आपके डिवाइस में 14.81 GB हो चुकी है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी 32 GB है मेरे आईफोन 7 की। तो यहाँ पर आपको जो मॉडेम फर्मवेयर आपको देखने को मिलता है, वो आपको अपडेट करने के बाद अपडेट करने से पहले दोनों के दोनों में सेम आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं आईफोन की ऑफिशियल स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 32 GB में से 17.2 GB यूज़ हो रखी है मेरे आईफोन 7 पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट करने से पहले जो मेरे आईफोन की जो स्टोरेज थी 17.9 GB यूज़ हो रखी थी 32 GB में से। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्पेस आपको फ्री अप होकर मिलने वाली है इस नए अपडेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद अब आप यहाँ पर सिस्टम डेटा भी चेकआउट कर सकते हो। कई आईफोन में आपको सिस्टम डेटा का जो ऑप्शन है वहां पर आपको लोडिंग होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो फिक्स है एप्पल ने आपको प्रोवाइड किया है इस नए अपडेट को, तो आपको जरूर इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेना चाहिए अपने आईफोन्स पे। तो आप देख सकते हो इसका iOS वर्जन है, iOS का जो स्टोरेज है 7.1 GB है, सिस्टम डेटा आपको 2.66 GB यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरे आईफोन 7 पे। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से नए फीचर्स एप्पल ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं इस नए अपडेट में। सो गाइस, यहाँ पर जब आप टैप करोगे इस अपडेट को इंस्टॉल करने के टाइम, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये एक इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट है। जैसे कि आपको 16.4.1 का नया अपडेट अपने आईफोन्स के लिए देखने को मिला था, उसी तरह एप्पल ने ये भी एक नया अपडेट अपने पुराने आईफोन यूजर्स के लिए एक प्रोवाइड किया है, जो कि एक सिक्योरिटी अपडेट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो गाइस, ये अपडेट आपको सिक्योरिटी से लेकर कुछ एक सेटिंग्स प्रोवाइड करता है और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी अपने पुराने आईफोन्स के सिक्योरिटी को लेकर। तो जरूर इस अपडेट को अपने आईफोन्स के ऊपर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर नेटवर्क्स के रिलेटेड कुछ एक इश्यूज आपको देखने को मिल रहे थे अपने डिवाइसेस के ऊपर, तो वो भी आपके सारे के सारे इश्यूज यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। अगर आपका वाईफाई कनेक्शन ऑटो कट हो जाता है, और ये भी इशू आपको यहाँ पर फिक्स होकर मिलने वाला है आपके डिवाइसेस के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यही था iOS 15.7.5 का जो नया अपडेट, आपको जरूर इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेना चाहिए अपने डिवाइसेस के ऊपर। तो आईफोन 7 के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया अपडेट होने वाला है, तो मेक श्योर कि अपने आईफोन 7 को भी जरूर इस अपडेट पे इंस्टॉल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।